अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमेजिंग टेक स्टडीज। माय नेम इज रिमशा अजमल। आज हम बात करेंगे रेडियोलॉजी के बारे में। रेडियोलॉजी फील्ड क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसके हम कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और इनकी टाइप्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। चलते हैं वीडियो की तरफ। रेडियोलॉजी मेडिसिन की एक फील्ड है। इसमें इमेजिंग टेक्निक को यूज करके डिजीज को डायग्नोज किया जाता है और फिर उस डिजीज को ट्रीट किया जाता है। बेसिकली रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल है। इमेजिंग टेक्निक ये होती है कि हम रेस को बॉडी से पास करते हैं, ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जैसे सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई को यूज करके बॉडी के इंटरनल इमेजेस ले लेते हैं। अब हम चलते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। फर्स्ट टाइम 1895 में विलियम रेंटिगन ने रेस को डिस्कवर करके अपनी वाइफ का हैंड का स्कैन किया था, जिसमें उसने वेडिंग रिंग पहनी हुई थी। देन इसी तरह फर्स्ट टाइम अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया गया, अल्ट्रासाउंड में फीटस देखा गया 1958 में। देन सीटी फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया 1971 में। एंड देन फर्स्ट टाइम एमआरआई परफॉर्म किया गया 1975 में और पेट सीटी फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया 1998 में। ये रेडियोलॉजी की कुछ थोड़ी सी मेन हिस्ट्री है जो मेरे ख्याल से रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हर किसी को पता होनी चाहिए। देन रेडियोलॉजी के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली रेडियोलॉजी की तीन टाइप्स हैं, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एंड रेडिएशन थेरेपी। हम तीनों को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। नंबर वन, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में हम डिफरेंट मेथड्स को यूज करके बॉडी के इंटरनल इमेजेस क्रिएट करते हैं ताकि डिजीज को अच्छे से डायग्नोज कर सके। इसमें एक्सरे, सीटी, एमआरआई, फ्लोरोस्कोपी, न्यूक्लियर मेडिसिन, मॉलिक्यूलर इमेजेस, ये सब आते हैं। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी नॉन इन्वेसिव है। एक्सरे के जरिए से हम लोग फ्रैक्चर्स देख सकते हैं, लंग्स की डिजीजेस लाइक निमोनिया, चेस्ट इन्फेक्शन, और एक्सरे के जरिए से हम बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन भी देख सकते हैं। एक्सरे को हम मेमोग्राफी में यूज कर हम ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट ट्यूमर और ब्रेस्ट को मुकम्मल एग्जामिन भी कर सकते हैं। सीटी में हम एक्सरे को यूज करते हुए बॉडी को हम थ्री डायमेंशनली देख सकते हैं। सीटी स्कैन से हमें डिटेल नॉलेज मिलता है। सीटी में मोर विजुअलाइजेशन के लिए कंट्रास्ट सीटी स्कैन भी किया जाता है। एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके हम लोग बॉडी के इंटरनल इमेजेस क्रिएट करते हैं। एमआरआई बेसिकली सॉफ्ट टिश्यूज को देखने के लिए करते हैं लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, टेंडन, मसल्स, नर्व्स, ब्रेस्ट टिश्यूज देखने के लिए। अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव को यूज करके हम बॉडी के इंटरनल बॉडीज की इमेजेस क्रिएट करते हैं। अल्ट्रासाउंड से प्रेगनेंसी की डिलीवरी डेट पता कर लेते हैं। अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट के लिए हार्ट, एब्डोमन, थायराइड, आई, पेल्विक, गाइनी, बेसिकली अल्ट्रासाउंड ही किया जाता है। वेरिकोज वेन देखने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड इन सब में से सबसे ज्यादा सेफेस्ट टेक्निक है। फ्लोरोस्कोपी में एक्सरेस को रियल टाइम के लिए यूज किया जाता है। प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल, बेरियम एनीमा स्टडी करने के लिए, पेसमेकर इंसर्ट करने के लिए। न्यूक्लियर मेडिसिन में रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स यूज कर हम इंटरनल बॉडीज की इमेजेस लेते हैं लाइक उसमें हम पेट स्कैन, स्पेक्ट स्कैन, बोन स्कैन, थायराइड स्कैन, सेंटिनल लिम्फ नोड मैपिंग, बायोप्सी, वर्चुअल क्लोनोस्कोपी, ये सब प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन ये डिटेल से वीडियो आपके लिए बनाई है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नंबर टू, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। इसमें प्रोसीजर्स किए जाते हैं। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी ये मिनिमल इन्वेसिव है। इस टेक्निक में स्मॉलर इंसिजन किए जाते हैं, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है लेकिन ये डिजीज को ट्रीट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है, जैसे ब्लॉक्ड ब्लड वेसल्स को ओपन करना और डिटेक्ट करना। ब्लड वेसल्स मीन आर्टरी और वेन, लेग्स, हार्ट या लंग्स में कि ब्लड वेसल्स ब्लॉक्ड हो जाती हैं, तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से हम इसको इजीली और आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाए, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, वेन्स में ब्लड क्लॉट आ जाता है या पल्मोनरी एम्बोलाई हो जाए, आर्टरीज और वेन्स ब्लॉक्ड हो जाएं, तो इस टेक्निक से हम
स्टंट ब्लून को प्लेसमेंट कर एंजियोप्लास्टी कर हम वेन्स और आर्टरी को ओपन कर सकते हैं। IR इंटरवेंशन रेडियोलॉजी को इमेजिंग गाइडेड थेरेपी भी कहते हैं। IR की वजह से डिजीज़ को ट्रीट करना बहुत आसान हो गया है क्योंकि इसमें स्मॉल टूल्स यूज होते हैं लाइक कैथेटर और वायर। नंबर 3 रेडिएशन थेरेपी। इसमें रेडिएशन और प्रोटॉन थेरेपी दे के डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है। इस थेरेपी को बेसिकली कैंसर के ट्रीट में यूज़ किया जाता है, बिफोर सर्जरी ट्यूमर को श्रिंक करने में, आफ्टर सर्जरी जो कैंसर सेल्स रह जाते हैं उन्हें डेड करने में ये थेरेपी यूज़ की जाती है। जिस चीज़ का फ़ायदा हो उस चीज़ का थोड़ा नुकसान भी होता है। इसी तरह रेडियोलॉजी की फील्ड में भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं क्योंकि इसमें रेज यूज़ हो रही हैं, इसमें रेडिएशन दी जा रही हैं, थोड़ा सा हार्मफुल ज़रूर होता है। इसीलिए जो पेशेंट होता है हम सिर्फ उसे ही एक्सपोज करते हैं, बाकी जो इनके साथ अटेंडर्स होते हैं हम उन्हें बाहर कंसोल रूम से बाहर खड़ा करते हैं। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट हैं तो इसके एक तरफ प्रकॉशंस भी हैं। हम लेड शील्ड्स यूज़ करते हैं, लेड मास्क यूज़ करते हैं, लेड एप्रन्स यूज़ करते हैं, और जो डॉक्टर्स रेडियोलॉजिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास हर वक्त डोजीमीटर एक डिवाइस होती है जिससे रेडिएशन डोज को मॉनिटर किया जाता है, और वो हर मंथ बाद वो डोजीमीटर चेक करते हैं उनकी रेज की वैल्यू होती है। अगर वो नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए तो फिर डॉक्टर्स और रेडियोलॉजिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट की अगर रेंज बढ़ जाए तो उन्हें रेस्ट करने के लिए 1 वीक या 2 वीक रेस्ट दी जाती है। रेस्ट नहीं तो उनको डिफरेंट मोडलिटीज़ में शिफ्टिंग लगती है ताकि उनकी रेडिएशन डोज बिल्कुल मैनेज रहे। तो ये कुछ रेडियोलॉजी की बेसिक स्टडी है। आई होप सो आपको सारी बातें समझ में आई हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।